वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से पहले मिल जाए। मुझे बूढ़ा नहीं होना, मैं ज़िंदगी में भरपूर मज़े करना चाहती हूँ। मैं और मेरे शौहर अब बूढ़े हो रहे थे तो शाइस्ता लोधी ने हमें इंजेक्शन लगाकर दोबारा जवान कर दिया। एक इंजेक्शन कितने का लगता है और पूरे कोर्स का खर्चा कितना है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तानी मशहूर जोड़े अपने तर्ज ज़िंदगी के इंतखाब पर तनकीद का निशाना बन रहे हैं। इस बार तफरीही इलाके से सितारों को विटामिन कॉकटेल या जिल्द को बढ़ाने का इलाज के तौर पर दिखाया गया है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मशहूर शख्सियात में इंजेक्शन और ड्रेविस को सफ़ेद करने के रुझान ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। उष्णा चाह, जोया नासिर, निदा यासिर और सबूर अली से लेकर बहुत सी मशहूर शख्सियात ने खूबसूरती में इजाफे के ड्रॉप्स लेते हुए तस्वीर खिंचवाई हैं और इन लोगों ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं, जिसपे इनके लोगों के तरह तरह के कमेंट्स भी लोगों ने किए हैं और इनको बुरी तरह से ट्रोल किया है, बुरी तरह से तनकीद का निशाना बनाया है। तो कीबोर्ड वॉरियर ने मशहूर शख्सियात को सफ़ेद करने के इंजेक्शन लगवाने और तस्वीर पोस्ट करके इन्हें मज़ीद नॉर्मल करने पर तनकीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें मौसूल होने वाले तबसरों में से कुछ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। निदा यासिर अपनी मशहूर मॉर्निंग शो के जरिए स्क्रीनों पर राज कर रही हैं और इनके शायकीन की तादाद में इनके अजाना आगाज़ के बाद तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अपनी खुशगुफ्तार और आसान तबीयत की वजह से इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री में एक बावक़ार मुकाम हासिल किया है। तमाम लोग इसकी शाहाना तर्ज ज़िंदगी और बेवक़्त खूबसूरती के पीछे राज जानने के लिए काफ़ी तजस्सुस में हैं। एक इंटरव्यू में निदा ने इससे पहले और बाद की तस्वीरों के बारे में पूछा, जो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इसकी रंगत गंदुमी होने से मैली हो गई थी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की मेज़बान ने इंकशाफ किया कि अदाकारी के बाद सालों में इसने अपनी जल्द की पूरी देखभाल नहीं की और ही ना ही किसी जल्द की देखभाल के डॉक्टर को दिखाया। लेकिन जैसे जैसे आ गई पहली, इसे एहसास हुआ कि उम्र के साथ साथ अपनी जल्द को देखभाल करना भी कितनी ज़रूरी है। यासिर ने मज़ीद कहा कि इसने ग्लोटाथिन के इंजेक्शन लगाए हैं और जल्द की मुनासिब गज़ाओं पर अमल करना शुरू किया है, जिससे इसकी जल्द को काफ़ी बेहतर बनाने में मदद मिली है। निदा यासिर एक पाकिस्तानी टेलीविज़न मेज़बान, साबिक अदाकारा और मॉडल हैं, जो टेलीविज़न ड्रामा हम तुम में साइमा के किरदार के लिए जानी जाती हैं। वो ARY डिजिटल पर मॉर्निंग टेलीविज़न शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की मेज़बानी भी करती हैं। इन्होंने ड्रामा सीरियल नादानिया में काम किया, जो एक मिजाइल ड्रामा था और सुपरहिट साबित हुआ। इसके साथ इनके शौहर यासिर नवाज़ और इनके छोटे बहनोई दानिश नवाज़ भी शामिल थे। वो नादानिया और एक सीरियल बाल बाल बच गए के शरीक प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। निदा ने एक मिजाइल फिल्म रॉन्ग नंबर भी तैयार की है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ग्लोटाथिन इंजेक्शन की कीमत पाकिस्तान में 13,000 रुपये से 40,000 रुपये फ़ी खुराक तक है। मियार, शॉट्स की तादाद और देखभाल की मतलूबा खुराक जैसे अवामिल इस तरीक़ेकार की लागत को तब्दील कर देंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।